और आज का व्लॉग शुरू होता है हमारा यहाँ चूड़ियों से। इससे पहले मैं गई थी सैलून, रश बहुत ज़्यादा था। मैंने सोचा पता नहीं वहाँ पर टाइम मिलता है नहीं मिलता मेरे लिए, क्योंकि फिर वेटिंग में बैठना पड़ता है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से फिर व्लॉग शूट नहीं किया। जल्दी जल्दी बस अपना काम करके वहाँ से निकल पड़ी, और वहाँ जैसे सैलून पहुँची मैंने सोचा मैंने अपनी जो सैलून की लड़कियाँ हैं जो मेरे साथ रहती थी और वो जिनकी अम्मियाँ भी नहीं हैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड भी नहीं है, जहाँ अम्मी अपनी दोस्त को ईदी देने गई हैं, सबको दे रहे थे, लेकिन मैंने वहाँ पर मेरे दिमाग से निकल गया। तो बस वापसी पर यहाँ से मैं चूड़ियाँ ले रही थी उनके लिए, ईदी बनानी थी। और यहाँ पर मार्केट में आप देखो रश कितना ज़्यादा है, हर कोई आज से अपनी तैयारियाँ शुरू करने में लगा था कि कोई पता नहीं कि रात को ही चांद रात हो जाए, और बाहर हर कोई मेहंदी लगवा रहा था। यहाँ पर तो इतनी लंबी लाइन थी मेहंदी की, बहुत ज़्यादा रश था। जिसको देखो मेहंदी, मतलब मेहंदी की बाहर एक रौनक लगी हुई थी, हर कोई मेहंदी के डिज़ाइन लगवा रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और आज अब्बू के रूम का शुक्र है कि पंखा भी लग जाएगा। और इस टाइम पे ये चल रहा है इनका बच्चों का चाय पराठा। मेरा छोटा सा माउस कहाँ है, ये चिपका हुआ है, बाहर निकलो बाहर आओ बोल कर बनवाया भी इस छोटी चुटकी ने कि मम्मा चाय पराठा चाय पराठा, अब आ गए अब खा नहीं रही। घर पे मैंने कहा सारे सुकून से बैठे, आज अफ्तार भी नहीं बनेगा, अफ्तार बाहर है ना। आज अफ्तार बाहर है, आज अम्मी की जो बचपन की सहेली है उनकी तरफ से। हा? क्या हुआ लड्डू बनी है मोमो की शहजादी, अम्मा के हाथ से खाएगी ना। मैंने कैमरा खोला ना फिर ऐसे करती है, कैमरे चुप हो जाती है। मुस्तफ़ा को अम्मी, मुस्तफ़ा को बैठ के बस अम्मी, इसने बस फीडर पहले पी लिया इसी वजह से नहीं खा रही है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। तो आज है हमारे 29 रोज़े और अल्हम्दुलिल्लाह से सही जा रहा है। बस अभी इफ्तारी का टाइम है, तकरीबन कोई 10-15 मिनट रहते हैं और आज रोज़ा अफ्तार कराने वाली हैं कुलसूम खाला, जिनके घर हम रात ईदी भी देने गए थे, और वो भी हमारे घर के पास वाला जो पार्क है। तो बस जल्दी जैसे मैं घर वहाँ 8 दिन में थोड़ा मुझे सामान लेना था वापस, जैसे जल्दी जल्दी बच्चों को नहलाए यहाँ पर, ये सबको नहला धुला के रेडी करे, अभी बस यहाँ से निकल। कितने चक्कर काट चुकी हूँ, ये मुझे नहीं खरीदने दे रही अपने जूते के, जब तक मैं खुद नहीं जाऊँगी नहीं लेना। मम्मा सबसे पहले एक चक्कर दो चक्कर आज लगा रहे हैं, फिर एक साथ पूरे नहीं आते कौसर, और अम्मी पहले जा रही हैं, अम्मी बच्चे जा रहे हैं कोई साथ में लेके जा रहे हैं, ठीक है 5-10 मिनट तक ही आ जाएंगे आप उधर बैठ, बल्कि अब्बू भी साथ में जा रहे हैं, ये पूरी गाड़ी फुल हो जाए। हमारे घर पे अभी लाइट लग रही है, हमारे घर पे अभी आज जो भी लाइटिंग का काम रहता था, आज अब्बू के रूम में पंखा लगा, यहाँ पे भी एक लाइट खराब थी ये भी लगी है, और ये लाइटिंग ये घर में ये सारा इलेक्ट्रिशियन का काम चल रहा था, तो इसी वजह से मैं रुक गई हूँ कि जैसे वो अपना सामान वामान उठा के यहाँ से जाएंगे तो फिर घर को लॉक करके मैं जाऊंगी। अभी अम्मी और कौसर चले गए, अब्बू भी चले गए, आयत रह गई, आयत को नींद आ गई थी। और इसके अलावा आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी ज़्यादा आप ईदियाँ भिजवा रहे हो, इतने गिफ्ट भिजवा रहे हो, अभी आपने सब ने मुझे बहुत प्यार दिया है, और बस कभी कभी ऐसे खुशी से आंसू भी निकल आते हैं, रोना भी आता है। एक टाइम मैंने ऐसा भी देखा जब कोई नहीं भी पूछता था और पता भी नहीं था किसी को, लेकिन आप सब ने इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतना ज़्यादा प्यार दिया है कि मतलब कभी ऐसे हिम्मत हार भी जाती हूँ तो दोबारा से हिम्मत मिलती है कि नहीं सब मुझे इतना प्यार देते हैं, आप सबके लिए दोबारा से व्लॉग आकर बनाती हूँ। तो थैंक यू सो मच आप सब, वाकई में आप सब मेरे लिए एक बहुत बड़ी हिम्मत हो, तो दिल से थैंक यू सो मच। आप नहीं गई फिर? हाँ क्यों नहीं गई, भाईजान चला गया साथ में? चलो चलो भागो भागो भागो। तो आज हम पार्क में आ गए, रोज़ा अफ्तार यहाँ पार्क करेंगे और साथ साथ चांद भी देखेंगे, यहाँ पर खुला आसमान है। चलो बिल्कुल 5 मिनट रह गया, पूरे पूरे टाइम पर हमेशा पहुँचते, खुल गया लगता है रोज़ा, है ना? जल्दी चलो जल्दी रोज़ा खुलने वाला, तो वो भाग के जल्दी से, पता नहीं कौन सी साइड पर बैठे, कुछ बन भी रहा है ना यहाँ पे। हाँ जाओ जाओ भागो, भाई जान वो रहा आपका, ठीक है भाग के जाओ। अरे फूलों के पास आज भी उधर ही बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, बैठी रहो बस बस। क्या हाल है, ठीक हो? नहीं भाई हमारी वाली लोकेशन चुराई आज। वालेकुम सलाम, टाइम पर पहुंच गए ना जी? आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है ठीक है। कैसे? चांद इधर बैठा हो, चांद की तरफ। चांद की तरफ ये शेख रहे थे।
अली सुबह तो सारे खाने सीख के आइए गाँव से, है ना? बिन चटनी में धनिया भुजिया के सिवा कुछ नहीं आता है। सीख जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। अभी तो बेचारी पेपर दे के आई, अभी सीख जाएगी। अब तो कल सोम खाला भी बहुत ज्यादा खुश हैं, रौनक आ गई है फेस पे, है ना? वरना से थकी थकी सी लगती थी, अब खुश हैं जब से बहू आई है। पर तो माशाल्लाह काफी सारी डिशें बनाई है, ये बना के लाए हैं। ये बहू की रौनक लगी हुई है। हाँ या मिलजुल के सारे हेल्प कराते है ना। गिरफ्तारी हो गई है, सारा सामान हो गया दोबारा से पैक। इतने बड़े बड़े डब्बे देखो, इतना दूर से उठा कर आए, इतने बड़े बड़े बर्तन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी इफ्तारी थी। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम निकाला। हमने कहाँ टाइम निकाला, ये पीछे घर है हमारा। आप लोग बहुत मेहनते करके इतना दूर से आए हो, पास से आए। लेकिन वैसे लोकेशन बहुत मस्त। हाँ ये बहुत प्यारी जगह, बहुत प्यारी हवा चल रही है। कल सोम खाला आज इतना देखा कि चांद नजर आएगा, आज आपको चांद की तरह बन के आई हुई है ना अम्मी। कल सोम खाला आपका ये सूट बहुत प्यारा लगा मुझे। हाँ बिल्कुल, चांद देखने से देखो यहाँ पर और कोई दिख रहा है। सहेली अम्मी चांद बन के आई है। चलो ये रही अलिशबा और मैं, और ये देखो ये दो सहेलियाँ। देखो अलिशबा मेहंदी क्यों पहले लगवा के आई हो? हाँ आप भी लगवाते, अभी कल चांद रात थी सब लगवाते। ये लगवा के इसी के ऊपर दोबारा लगवा लेंगे। थाइए चलो अभी चलते हैं, सहेलियों को देखो। जा कैसे रही है खुशी खुशी। बहुत कोशिश की यहाँ पर इतनी देर बैठ रहे इफ्तार के बाद कि चांद दिखेगा चांद दिखेगा, चांद तो कहीं पे भी नजर नहीं आया। कल अपनी छत से देखेंगे, कल आना ना अलिशबा अपनी छत से चांद देख। अभी वापस आ गए घर, ये तीन टोकरी अम्मी पड़ी हैं, अपनी सहेलियों को देना है अम्मी जो सैलून में मेरे साथ काम करती थी, और उनके लिए ये तो मेरी है, और उनके लिए अम्मी ईदी बनाई है जिनकी अम्मियाँ नहीं है इस दुनिया में। ठीक है, मैंने कहा मैं उनको जाकर दूंगी, वो खुश हो जाएंगी। और बाकी यहाँ पर अभी चाय का टाइम हो रहा है, और ये भी आया हुआ है। आज इधर रहोगे? इसका नाम पता है मैं क्या रखा हुआ है? जहेज। जहेज नहीं अम्मी, जहेज बोलते हैं ना जो दुल्हन को मिलता है। खाला ये मेरे लिए गिफ्ट आया है पंजाब से, कल ही अनबॉक्सिंग की है मैंने। अच्छा, साजिद ने इसका नाम जहेज रख दिया कि जहेज में मिला है। क्यों घूमने आए थे? जहेज में नहीं। अच्छा ये बोल रहे मैं जहेज में नहीं आया, मैं वैसे घूमने फिरने आया। अच्छा सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा? जो है ना बातों के साथ साथ गर्मा गर्म चाय पी ली। आपको पहले मिल गई है अम्मी, आपकी है फिर आपकी, मेरी और कौन बच गया? अलिशबा, अलिशबा भी नहीं पी रही, कौसर की होगी है ना, इसमें कौसर की है, फिर एक मेरी अभी भी एक बच गई है। किसकी है? साजिद को मिली है? मिल गई उसको? उसको भी मिल गई है, खाला को भी मिल गई, सबको मिल गई है। लगता है मुजम्मिल की है। नहीं पी रहे? क्यों, गांव में तो बहुत पीते हो, यहाँ पे नहीं पीनी? डब्बे वाला दूध नहीं है, फ्रेश दूध की बनती है हमारे घर। क्या है ये पूरा शॉपर भर के, पूरे कितने 5-6 सूट आए प्रमोशन के लिए। अभी गिनते हैं। हाँ अभी गिन लेंगे। सबसे पहले लाल जोड़ा निकला है, और ये पहले मैं बता दूं कि ये एस कॉर्नर की तरफ से आए हैं। जितने भी मेरे घर पे आते हैं ना प्रमोशन के, खाला अम्मी सबकी अनबॉक्सिंग करती है सब। अम्मी कहाँ से आए अभी बताएं? जो तुम बता दो। नहीं एस कॉर्नर, एस कॉर्नर। हाँ ये खूबसूरत सा सूट आया, प्यारा है ना, इसका काम बहुत अच्छा है। भी अम्मी वो है ना दूसरा मोटा वाला कपड़ा नहीं है, नरम वाला, इसका बहुत अच्छा गर्मी के लिहाज से, बड़ी प्यारी है ना। हो गया साथ में इसका शिफोन का दुपट्टा हो गया, और ये इसका सिंपल सादा सा ट्रॉक है। ये वाला कलर प्यारा है, बड़ा प्यारा, ये ज्यादा प्यारा। जब मैं वो दुबई गई थी ना बुर्ज खलीफा में पहना, सेम वैसा भेजा दो। इसका कलर थोड़ा सा डार्क है। हम यहाँ पहन के इसकी प्रमोशन दीजिएगा, थोड़ा डिफरेंट। हाँ नहीं इसका डिजाइन जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इसका कलर जो है ना बहुत ज्यादा प्यारा है, और इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है, इसका कपड़ा भी ज्यादा अच्छा है। जो उधर से लेने गया तरह ये उससे अच्छा। अम्मी कहती है जो तुमने ईद की शॉपिंग की इतनी महंगी की है, और ये उससे ज्यादा अच्छे। इसकी कीमत का पता होगा आपको? क्या कीमत का भी पूछ लेंगे ना, दुपट्टा कितना अच्छा है इसका। हाँ। कलर अम्मी बहुत प्यारा, कीमत पता चल जाएगी। दुपट्टा यहाँ पर दुकान लगी हुई है। हाँ अम्मी पसंद है आपको? ये आपने रखना है, ठीक है आप रख ले। इसके ट्राउजर पे थोड़ा बहुत काम है, ये यहाँ ट्राउजर प्यारा है, इसका ट्राउजर अच्छा है। ये सेम वैसा है जो ना मुझे वो मेहरून ने भिजवाया, मेहरून ने कौन, पर्पल भिजवाया, वही सेम वही है। ये येलो में और पहले मेरे पास वो भेजे, अच्छा ये वाला भेजा, कह रहे एक से एक खूबसूरत है। इसका कलर भी बहुत उधर जाती है मुझे लेने के लिए, उधर
कौन सी वो है शॉप? बहुत अच्छा सॉफ्ट वाला इनका काम है ना, एक तो डिजाइन इनके खूबसूरत है और कपड़ा इनका बहुत सॉफ्ट है कि गर्मियों में आसानी से पहन सकते हैं। ये वाला सूट तो आपको आ जाएगा, ट्राउजर देखें कितना खुला है, ये ट्राउजर हो गया साथ में दुपट्टा इतना खूबसूरत सा, सेम येलो है और ये वाला रेड है, इन तीनों दोनों का डिजाइन जो है ना बिल्कुल सेम है, वो येलो में हो गया ये रेड में हो गया। कलसुम खाला को अच्छे लग रहे हैं कपड़े। इस कॉर्नर के नाम से इनका यूट्यूब पे भी हो गया, इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे भी इन्हीं के इसी नाम से हो गया एस कॉर्नर, और बाकी अगर ऑनलाइन किसी को ऑर्डर करना है तो यहाँ पर ये नंबर है। और सबसे पहले मुझे ये वाला कलर बहुत अच्छा लग रहा था तो सबसे पहले मैंने ये पहना और सबको बहुत पसंद भी, इसका ट्राउजर ऐसे लूज इतना प्यारा बना हुआ है और मुझे कुछ इस तरीके का लग रहा है। ईद कलेक्शन है एस कॉर्नर की, आप भी बताइएगा कि ये वाला कलर मेरे ऊपर कैसा लग रहा है, या फिर मैं वो जो इसके अलावा बाकी जितने भी सारे कलर हैं सारे डार्क हैं, जो कि डार्क मैंने बहुत पहने हुए, अभी मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ा लाइट लूँ, तो इस वजह से येलो, येलो वैसे भी मुझे बहुत पसंद है, येलो ऑरेंज कलर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पहनने में, तो आज देखो फिर से येलो आ गया, ये वाला मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी जो है ना अम्मी को सबको दिखा कर आती हूँ। तो यहाँ पर देखो इन सब की अलग ही महफिल लगी है, पूरा बाजार खुला हुआ है कपड़ों का, ऐसे लगता है चांद रात आज है हमारे घर पर, है ना अम्मी? हाँ आज से शुरू हो गई है, रौनक कैसे लगी हुई है, तभी इतने बुला लिया, सब मेरे साथ आ गए इधर, हम बड़े खुश हैं आपके घर पे। और यहाँ पर हमारी एक और खाला बैठी है चुपके, तुम खाला भी मुझे ये बताएंगी कलर, ये वाला भी है इसमें, ये पर्पल वाला है, एक ये रेड वाला हो गया, ये तो पहले उसने भेजा था ना आपके पास, वही मतलब ये तीन हमें उसने भेजे है ना, तो अब ये येलो वाला रखूं या इन दोनों में? नहीं येलो, ये वाला अच्छा, पहले कलर आपके पास है ना? वही तो कह रही हूँ मैं, डार्क कलर मैंने बहुत पहन ली, अभी देखो रेड कितने भेज दिए, एक ये रेड, एक ये रेड, तो रेड के तीन रेड आ जाए हुए, ये रखो एक ये नीचे वाला रखो, ये वाला, ये वाला, ये कलर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है ना, पहले उसने भेजे थे ना वो इधर रख लो, ये दो उठा, सूट अभी मैं यहाँ से ले रही हूँ, और बाकी यहाँ पर सारी ईद की कलेक्शन आप देख सकते हो एस कॉर्नर की, तो मतलब सब बहुत अच्छे हैं, मैं ऐसे किसी भी ड्रेस की तारीफ नहीं करती, सारे मतलब पहने हुए इतना अच्छे लग रहे हैं और रीजनेबल प्राइस में सबके साथ, उनमें से रखूँ ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है जी, सबको अभी येलो कलर अच्छा लग रहा है। तो आज जो है ना मैं अपना मिरर देखो यहाँ पर लेकर आ गई हूँ, क्योंकि इस रूम में होते हैं हमारे अबू, और अबू भी डिस्टर्ब ना, और मुझे बार बार ड्रेस दिखाना था पहन के, या फिर मुझे खुद को भी ऐसे चेक करना था, तो अच्छा नहीं लगता कि मैं उधर जाऊँ। और इसके अलावा देखिए आज मैंने वैक्स भी करा ली, सुबह सुबह जाकर मैंने अपना सारा काम करा लिया था आईब्रोज बनवाने के लिए, देखो ये भी बन गई शुरू, काम जो रहते हैं मुस्तफ़ा तैयबा और आयत के जूते रहते हैं, अब इनके जूते रह गए हैं, बाकी सारा कुछ हो गया कम्प्लीट, चूड़ियाँ भी रह गई हैं, लेकिन अब देखो कि चूड़ियाँ लेने के लिए सब साथ चलते हैं या फिर कल का एक दिन है, आज चांद रात नहीं हुई तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस वजह से, एक हमें टाइम मिल गया, दूसरी बात ये कि हमारे 30 रोजे पूरे हो रहे हैं, और चौथी बात कि जुम्मा भी आ रहा है, जुम्मे का बहुत दिल था कि जुम्मे को हमारा आखिरी जो रोज़ा बन रहा है वो जुम्मे का रोज़ा होना चाहिए, तो इस तरीके से कल का हमारा जुम्मा भी रमजान में ही आ रहा है, 5 जुम्मे आ रही है इस दफा रमजान में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। इस साइड पर देखो कौसर ने अपने भी कपड़ों की सिलाई शुरू कर दी है, यहाँ पर हर तरफ आपको हमारी ईद की रौनकें ही दिखेंगी। इस साइड पर जैसे अबू आराम से सुकून से, आज तो पंखा भी बन गया अबू का, अब अबू को भी एसी की आदत होना शुरू हो गई है, शुरू शुरू में बिल्कुल ऑन नहीं करने देते थे, क्योंकि अभी हर कोई अपने प्रमोशन के लिए सूट भिजवा रहा है, और इस वजह से इसको मैंने यहाँ पर बाहर ही निकाल के खड़ा कर दिया। चाय पी रही है मेरा बीबी, रोजा रखा। इस साइड पर बच्चों का ट्यूशन अभी हो गया, ये कौन है यहाँ पर, मुजम्मिल है? हाँ खाला कलसुम, आज इधर आई हूँ, मुस्तफ़ा को कोई बात समझा रही, कौन ये रो रहा था, क्यों रो रहे थे? पापा क्यों रो रहे हो, क्या हुआ है? वो मुजम्मिल के पीछे वो कहता है मुजम्मिल आ जाएगा, वो वकार भाई अकेले जा रहे थे ना, सुम खाला को भी इनके घर छोड़ेंगे, अम्मी अभी घर पर है, ठीक है अम्मी जल्दी आ जाए। शर्ट की क्या हालत थी, सॉरी मामा। हम पहुंच गए हैं कलसुम खाला के घर की तरफ, बस इनको गली में इधर छोड़ना है। शुक्रिया बहुत बहुत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कलसुम खाला कल आइएगा चांद रात पे, इंशाल्लाह कल मेहंदी एक साथ लगाएंगे सब, ठीक है। और यहाँ पर कराची में रौनक देखें, हर तरफ लाइटिंग ही लाइटिंग, और इतना सजाया हुआ है कराची को, अभी तो सिर्फ हम इस मॉल में आए हैं, ये बच्चा पार्टी, बच्चा पार्टी को बाहर से इतना खूबसूरती से सजाया हुआ है, यहाँ ना बच्चे तो ऐसे खुश होके आए, देखो कैसे खुश होके जा रही है, ये देखो कितने क्यूट हैं, हाँ
हील लेना है। बहुत प्यारा लग रहा है, इसमें गोल्डन अच्छा लग रहा है। ये रेड वाला बहुत प्यारा लग रहा है, ये इस तरह टाइम नहीं लगाते, ये वाले अच्छा लग रहा है। और भी देख लो ना, और कोई पसंद आ जाए। और तई भाई ये ब्लैक वाले भी प्यारे लग रहे हैं, ये वाले ही अच्छा ठीक है, इसको ये कलर अच्छा। हाँ आपको ये अच्छे लग रहे हैं। हाँ कई ये देखो, ये आपके साइज के हैं, ये अच्छे नए शूज ले रही हैं। ये देखो बनी वाले हैं, बनी वाले इतने प्यारे शूज हैं इनके। हाँ ये साइज इसको बिल्कुल ठीक है, ये भी अच्छे लग रहे हैं। लाइट वाले शूज, शूज नए हैं। वो वाले भी, और ये फिर चेक करो, ये करो, बस ट्राई करो, ये ट्राई करो, ट्राई और इस साइड पर मुस्तफा के बहुत देखे हैं, लेकिन उसका साइज नहीं मिल रहा यहाँ। और तैयबा ने तो आते ही अपना पसंद कर लिया। मार्शमेलो लेके आ गई वहाँ से, क्या हो गया, गुस्सा हो गया। कहाँ है बैलून? मुझे ये नहीं। ये बैलून अंकल नहीं देते। मम्मा मुझे बेबी से बैलून चाहिए। पापा रुको, पापा रुको। क्या हुआ? मुझे चाहिए बैलून। आराम से, आगे गाड़ी आ रही है, आगे गाड़ी है। हम देख गए और यहाँ पर भी देखो, हर गली में जहाँ से भी गुजरो वहीं पर मेहंदी लगाने के लिए बैठे हूँ। विच वन? फ्रोजन चाहिए। मुझे ये चाहिए, अंकल मेरी सिस्टर को ये बलून चाहिए। वहाँ पे मेहंदी लग रही है, आप लगवाओगी? बच्चियाँ सब मेहंदी लगवा रही हैं। लगवानी है? पकड़ो बस, ख्याल से ये मिल गया बहन। आया था आपको लगवानी है मेहंदी? नहीं मुझे नहीं चाहिए। आपको नहीं लगवानी? ये देखो यहाँ पे चांद सितारे वाली लगा रहे हैं। तैयबा ऐसी लगवाओगी? ये डिजाइन भी प्यारा है। ये गाड़ी में रख के आते ना सही था। और बाटा पे भी देखो इतने प्यारे प्यारे कलर आए हैं, ये वाला डिजाइन भी अच्छा लगा। मुस्तफा के साइज ही नहीं मिल रहा है, ये वाला देखो बड़ा है। वैसे लेग तो प्यारा रहे, कलर भी इसका अच्छा, शलवार को भी इसके साथ अच्छा लगेगा। यहाँ पर मुस्तफा के भी डन हो गए, जूते मिल गए, और अब यहाँ से भी चलते हैं। और हर साइड पे यहाँ पे भी मेहंदी वाले बैठे हुए हैं, इधर से चलते हैं, इस साइड पे भी सब मेहंदी लगवा रहे हैं। हर जगह पर ये देखो ईद की रौनक लगी हुई है। चलो गाड़ी आ रही है पीछे, गाड़ी आ रही है पीछे, इस साइड पर, दोनों दोनों साइड पर, इस साइड पर। ये नहीं उड़ती अभी तो, पूरी उर्दू सीख गई है माशाल्लाह। थक गई हो? आज मैं उठाऊं, आ जाओ मम्मा उठाए। कहती है मम्मा पापा थक गई हूँ। अरे मेरा माओ क्या देख रहे हैं, यहाँ पे बैठ के इंतजार कर रहा था। और इस साइड पर सब सो गए। चलो अम्मी को नींद नहीं आई थी, अम्मी भी जाग रही थी। अम्मी ये वाला पहले, अम्मी जो कलर हमने पसंद किया ना उसमें फिर वो साइज नहीं मिल रहा था। ये सही अच्छा है, ये वाला सही है ना, शलवार कमीज के साथ ये प्यारा लगेगा। आप भी अपना दिखाओ अम्मा को। अम्मी ये तो दूसरे जूते पहनती नहीं, इतने तंग कर रही थी, फिर मैंने इसके लिए शूज ही देख लिए, दूसरे फिर सैंडल इसके पड़े हैं। तैयबा ने अम्मी अपनी हील वाले पसंद किए इस तरह के, अच्छे अम्मी पतले पतले। हाँ इस पे ये सूट भी कर रहे थे जब इसने पहन के देखा फिर बस। हाँ अम्मी आयत की ज्यादा प्यारी, अम्मी को आयत की बहुत पसंद आई। और हाँ इसके अलावा ये तो कल मैं दिखाना भूल गई, ये मेरे हस्बैंड को भी ईद का गिफ्ट आया है, ये इतना खूबसूरत, रात को फिर मैं दिखाना भूल गई। और साथ में इत्र भी भेजा। इसके अलावा ये है अनस्टिच सिलवाना पड़ेगा, इस तरीके का ये डिजाइन है।